ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर गैस चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। दिल्ली में अवैध तरीके से डोमेस्टिक गैस सिलेंडर से कमर्शियल गैस सिलेंडर में गैस चोरी कर ट्रांसफर करने वाले बड़े गोदाम पर छापा मारकर सिलेंडर गैस चोरी गैंग का भंडाफोड़ किया है। बाहरी जिला डीसीपी के निर्देश पर एटीएस स्टाफ बाहरी जिला इंस्पेक्टर परवीन की टीम को मिली सूचना के बाद पुलिस टीम ने दिल्ली के निहाल विहार और रनहोला इलाके में छापा मारकर गैंग का भंडाफोड़ किया। सुल्तानपुरी रवि गोलू और नागलोई निवासी उदयवीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर लोगों को जान को जोखिम में डालकर चल रहे इस गोरख धंधे के अड्डे से 1700 गैस सिलेंडर, 17 गैस ट्रांसफर करने की मशीन और गैस सप्लाई करने वाले 6 वाहन भी जब्त किए हैं। आरोपी डोमेस्टिक सिलेंडर से गैस चोरी कर कमर्शियल सिलेंडर में भरकर अच्छे दामों पर बेचते थे। पुलिस ने मामले में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। वही गोदाम मालिक अभी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में कई जगह और भी ऐसे गोदाम मिलीभगत से चल रहे हैं जिन पर कार्रवाई की जरूरत है। तस्वीर देखकर सोचिए कि अगर इस अवैध गोदाम में आगजनी हो जाए तो आसपास रहने वाले लोगों का क्या होगा। सचिन राणा, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।